नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप SSC MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 मई से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है और 20 जून तक जो आपके एग्ज़ाम है ये कंप्लीट हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में रहेगा और जो फर्स्ट सेशन में है आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और जो सेकंड सेशन रहेगा डियर फ्रेंड्स उसमें आपके जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका कट ऑफ रहेगा वो सेकंड सेशन के आधार पर रहेगा। तो इसके लिए आपको जो जीके का पार्ट है वो मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको जीके के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की, संसार की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी डियर फ्रेंड्स वो कौन थी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आपका बाल दिवस कब मनाया जाता है? डियर फ्रेंड्स, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, आपका थर्ड देखिएगा, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नागरिक उड्डयन जो प्रशिक्षण केंद्र है डियर फ्रेंड्स वो कहाँ पर है? ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र डियर फ्रेंड्स इलाहाबाद में है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो डियर फ्रेंड्स, जो कोलकाता नगर है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1690 ईस्वी में हुई थी, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? जो काला पर्वत है डियर फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? भूटान में स्थित है काला पर्वत, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो गंगा है उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है डियर फ्रेंड्स वो कौन सी है? यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी? जो विश्व है, संसार की जो सबसे प्राचीन पुरानी लिखित भाषा है वो कौन सी है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, सुमेरियन भाषा है, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो इंडिया शब्द है इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? यूनानियों ने किया था डियर फ्रेंड्स, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1909 अधिनियम ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो ऑप्शन बी, 1884 ईस्वी, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम पहले फील्ड मार्शल कौन थे डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, जनरल मानिकशॉ, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 13 देखिएगा, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? कब किया गया था डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, 1971 में, 1971 में प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो कौन से खेल से, कौन से गेम से है? ऑप्शन ए, हॉकी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? तो भारत में डियर फ्रेंड्स 5 समाचार एजेंसियां हैं, याद रखिएगा 5 समाचार एजेंसियां हैं, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पर हमला कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 2001 में, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? डियर फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो 1936 में यानी 1936 में हुई थी, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा,
पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जो पर्यटन दिवस है डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन सी 27 सितंबर को मनाया जाता है, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी, कब हुई थी 1950 में, 1950 में हुई थी प्रथम बार, पहली बार, तो डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, जो कल्पना चावला है इनका जो संबंध है वो करनाल से है, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1900 ऑप्शन बी 2003 ईस्वी में इनकी क्या मृत्यु है, जो निधन हो गया था, तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग, कब पृथक हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1936 में उड़ीसा राज्य बिहार राज्य से अलग हो गया था, तो ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो हुई थी 6वीं शताब्दी में, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, डियर सन्स इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो 7वीं शताब्दी में हुई थी, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है डियर सन्स ऑप्शन ए अरब, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना है वो 1973 ईस्वी में हुई थी, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा 27 क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, याद रखिए अगर इस क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व संसार का जो सबसे बड़ा शहर है वो लंदन है, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है, तो डिस्टेंस भारत में जो सबसे अधिक निर्यात है वो किस देश को होता है, कौन सी कंट्री को होता है, ऑप्शन ए यूएसए को, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है, याद रखिएगा भारत में जो सबसे अधिक आयात है वो किस देश से होता है, ऑप्शन ए चीन से, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना के आधार का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य में किया गया, सूचना के अधिकार का जो प्रयोग है सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य में किया गया था, डियर्सन्स ऑप्शन डी राजस्थान में किया गया था, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। तो डियर्सन्स ये थे आज के आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर्सन्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक और शेयर ना करना मत भूलिएगा। तो चलिए डियर्सन्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, तब तक डियर्सन्स सभी को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम एंड टेक केयर।